hello good morning students today i am going to teach you maths from your oxford advantage book all about me so without delaying let's come on to the content so student this is the content and today we are going to cover the topic which are thick and thin tall and short so let us start थिक एंड थिन यू कैन सी हेयर टू क्रेन्स आर डॉन वन क्रेन इज थिक एंड अदर क्रेन इज थिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहां पर टू क्रेउन्स बने हैं वन क्रेन थिक है और अदर क्रेन थिन है दिस इज अ डिफ्रेंस ऑफ बोथ क्रेन्स वन इज थिक एंड अदर इज थिं आपको इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है जो आपको करनी है टिक द थिक ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द थिन वंस जो थिक ऑब्जेक्ट है उस पर आपको टिक करना है जो थिन है उस पर क्रॉस करना है यहाँ पर आप टू कैरेट्स देख रहे हैं वन कैरेट इज थिक बट अदर कैरेट इज थिन तो आपको थिक पे टिक करना है तो जो कैरेट थिक है उस पर आपको टिक लगाना है और अदर थिन है उस पर आपको क्रॉस करना है लाइक दिस टू पेंसिल्स आर हेयर वन पेंसिल इज थिक एंड अदर पेंसिल इज थिन तो आपको थिक पे टिक करना है पहचान कर नेक्स्ट पार्ट टू टेलीविज़न यहाँ पर बने हुए हैं वन टेलीविजन इज थिक एंड वन टेलीविजन इज थिन तो आपको देखना है कि कौन सा थिक है और कौन सा थिन है इसमें जो थिक है उस पर आपको टिक करना है जो थिन है उस पर आपको क्रॉस करना है नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज

आपको इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज करनी है सर्कल द टॉल पिक्चर जिसमें टॉल पिक्चर है उस पर आपको सर्कल करनी है यहाँ पर आप टू पिक्चर्स देख रहे हैं एक टॉल है एक शॉर्ट है तो आपको टॉल पे सर्कल करना है यहाँ पर टू ट्री आप देख रहे हैं एक ट्री टॉल है और अदर ट्री शॉर्ट है तो आपको जो टॉल ट्री है उस पर टिक करना है अब आप नीचे आइए आई कैन इसमें आपको आइडेंटिफाई हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट अगर आप हैवी लाइट ऑब्जेक्ट को डू इट ऑन माय ओन अगर अपने आप ऑब्ज़र्व आप, uh, कर लेते हो तो आपको पहले कॉलम में टिक करना है और अगर आप किसी की हेल्प से ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको सेकेंड कॉलम में टिक करना है आइडेंटिफाई थिक एंड थिन ऑब्जेक्ट आप अगर अपने आप किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो थिक है या थिन है तो आपको फर्स्ट कॉलम में टिक करना है कि आपने अपने आप किया है और अगर आप किसी की हेल्प से करते हो तो डू इट विद हेल्प तो आपको अदर कॉलम में नेक्स्ट कॉलम में टिक करना है आइडेंटिफाई टॉल एंड शॉर्ट आप अगर योर सेल्फ़ इस बात को ऑब्जर्व कर लेते हो आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये टॉल है या शॉर्ट है तो आपको डू इट ऑन माय ओन में टिक करना है अगर आप किसी की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हो तो आपको डू इट विद हेल्प में टिक करना है ओके okay, स्टूडेंट्स We will meet in the next video. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.